तो हेलो गाइस, आज हम आपको घुमाएंगे अपने भोपाल के लेक व्यू के पास बसा हुआ एक पुराना गांव। यहां पर है प्राचीन काल के बहुत सारे आर्किटेक्चर और बहुत सारी घर जो पहले के ज़माने में उससे बनते थे लकड़ियों से। तो देख, पूरा फुल ब्लॉग वॉच करो एंड लास्ट जरूर देख के जाना, बहुत अच्छी जगह पर है। फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो आप। और इसके बाद जो सामने आपको बड़ा वाला घर दिख रहा है, इसके अंदर तो भाई बिल्कुल डरावना माहौल लग रहा था, बिल्कुल जैसे वीरान पिक्चर होती हैं। स्टूडियो एक ये सामने वाला और एक इस तरफ दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो बिल्कुल सामने। तो चलो इसके अंदर का भी नज़ारा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज ईद का दिन अपन आ गए ये अंदर घूमने। पता नहीं क्या है ये, VIP भी आज तक देखा है, बस जान तो कोई नहीं है पीछे, देखते हैं क्या है अंदर। बंद क्यों हो रही है? रेस जम से एक बार जान ले। हाँ तो भाई, ये है आदिवासी कल्चर को फॉलो करने के लिए यहाँ से एंट्री गेट है और ये बने हुए ये देखो, ये भोपाल की खूबसूरती। नीचे है VIP कह रहा हूँ लेक व्यू, और ये आदिवासी कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ बना हुआ है, आगे तो ले गाड़ी की, ऐसे मत रोको गाड़ी। यहाँ पे लेगा तमिलनाडु के पुनीत, बंद हो रही गई। ये देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ है और ये लिखा है नाम, और यहाँ पे ये देखो ये आर्किटेक्चर है उस टाइम का। चलो तो भाई, आज ईद का दिन था, हमने सोचा आज कुछ नया देखते हैं। यहाँ पे हमने भी नहीं घूमा था तो शायद, और हम लोग आ गए। और ये देखो आदिवासी के ज़माने के नीचे घर बने हुए हैंगे, जो पहले क्या कहते थे, छीन के पेड़ के बनाते छत डाल के, नाव बनी हुई बड़ी वाली। भाई आया हूँ। हाँ तो स्कूल से आया था, 10वीं क्लास में आया था, सामने देख के चला था। ये देखो ऊपर म्यूजियम है, ये देखो आदिवासी को घर कैसे, और ऊपर देखो मेल देखो, ये देखो पुराने पुराने घर बने हुए आदिवासी, पेंटिंग पुरानी वाली, इसको रिनोवेशन कर रहा है। तू बंद क्यों कर रहा है गाड़ी? हाँ तो गाइस, यहाँ पे है कुछ ओल्ड वाले घर, ये मैंने चीज़ नहीं विजिट करी थी, चेक करो। ऐसे घरों में अंदर घुस के हमारे गांव में मिलते हैं ये घुस गए अपन, अरे आंगन में आ गए दूसरे तरफ। ये देखो आंगन, और पीछे भी घर लेंगे। ये आदिवासी कल्चर को फॉलो करने वाले एक पार्क की तरह बना है म्यूज़ियम भोपाल में। VIP रोड से अपन अपने अंदर आते हैं बोट क्लब पे, वहाँ पे अंदर में ऊपर। तो जो भोपाल से हूँ तो कमेंट करके बताओ किस किसने देखा ये चीज़, और जो नहीं है वो आके विज़िट करो, बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। और ऊपर है CM हाउस पहाड़ी पे। भाई ये देखो पहले के घर, आ हा हा, कितना ठंडा क्या है यहाँ पे पूरी। भाई ऐसे बनते थे घर, और ये देखो पुराने घरों के कल्चर। ये खिड़की है, ये दान है, ऐसे बनते थे गांव देहातों में घर जो थे, और आदिवासी कल्चर को फॉलो करता तो वैसे ही ये घर है। और साफ़ सफाई देखो यहाँ पे अभी भी कितनी रखी गई है। ये देखो उस टाइम की सुराही थी शायद, वो कहाँ गल्ला रखने की, मटके वगैरह हैं। ये अपना जो अभी सिंगारदान चलते ना वैसा रहता था, ये गोदरेज भाई सिंगारदान की तरह। और ये ताक, छत देखो कितनी प्यारी बनी खड़े पे, ताक सामान रखने के लिए। अच्छा हाँ, वैसी डिजाइन ही बन गई इसमें, और वो भी हो गया। अभी और भी घर है सामने, वो से भी दिखाएंगे। और यार काफी अच्छी जगह यार, ये तो मैंने पहली बार विजिट करी मगर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। क्यों साहिद भाई, कैसा लग रहा है? और यहाँ पे ठंडक भी, अभी गर्मी बहुत तेज, बाहर का तापमान पता नहीं कितना है मगर गर्मी में भी इधर पे अंदर ठंडक बनी हुई है अंदर। और भी चल के आगे दिखाते हैं। और ये आ रहा है नाव के घर के बाहर, बस रोक दो, नहीं रोकना काटना नहीं। हाँ हुआ था, अब इधर पे भी विजिट करते हैं, इनका भी अंदर देखते हैं कैसा था। इसमें तो गेट भी लगता है, और यहाँ के आंगन देखो कितने प्यारे हैं। ये देखो यहाँ के तो ताले डले हुए यार, गैलरी भाई इसमें भी है का, इसमें अलग तरीके से है क्या कुछ? ये देखो भाई, वाह यार इसमें कुछ अलग है, इसका अलग तरीके से बनाया गया बिल्कुल। ये देखो आर्किटेक्चर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आर्किटेक्चर इसका बिल्कुल अलग। और लगता है कपड़े भी भरते हैं भाई, वो यहाँ पे गद्दी भी रखे गुदड़ी है पहले वाली।
ये कांच लगे चेहरा देखने के लिए। और भाई थोड़ा साफ होता तो और अच्छा लगता, किसी ने साफ नहीं करा यार, ऐसे धूल बैठ रही है। मगर भाई यहाँ पर ठंडक बहुत है अंदर, बहुत ठंडक है अपने वाले घरों से। ये देखो चूल्हा उस टाइम का, भाई यहाँ चूल्हा था मुझे लगता है, और यहाँ से बाहर निकलते वो धुआं बाहर निकलने के लिए बनाते थे ये लोग। चलो आगे वाले में दिखाते हैं शायद, भाई आ जाओ। ओहो हो भाई इसके अंदर भी बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे पंछी है भाई ऊपर गिलेली गिलेली गिलेली। और यहाँ का भाई गिलास देखो अलग तरीके का डिज़ाइन में, तोते बने हुए इसमें छोटे छोटे, बहुत ही प्यारी जगह यार। भाई भी जो भी भोपाल से जिसने भी विजिट करा हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताना, और अगर विजिट करना चाहते हो तो आ जाना, चलते अपना लेक व्यू पे है, लेक व्यू पे बोट क्लब के जस्ट सामने ही है। 50 रुपये 1 पर्सन की टिकट है, बहुत सस्ते में परमिट टाइप का जो भी टिकट बनती है वो बनेगी। और जो भी नज़ारा है भाई देख के दिल खुश हो जाएगा। अभी तो मैंने 3-4 घर देखे हैं, अभी आगे इसका बहुत अच्छा है क्या कहते हैं आर्किटेक्चर है, उसे चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं, तो बने रहना वीडियो में कम। हाँ तो भाई अभी ये पास में कुछ दिख रहा है जहाँ पे इकट्ठा 4-5 घर है, इनमें भी जाके विजिट करते हैं अंदर कैसा है। और इतना बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे जो अलग ही भाई बाहर का नज़ारा है, और हमारा वो साइड जारी है पेट्रोल बंद करने गाड़ी का। भोपाल शहर का सबसे आदिवासी गांव छोटा सा भाई, गांव की फीलिंग हो गई भाई इधर तो, भाई इधर फिर अलग ही वहाँ बोले। छोटे छोटे घर हैं, अंदर सामान भी रखा है इनके, किसी में थारे डले किसी में खुले हुए हैं, चरखा मखरा भी रखा है। चलो एक एक में करते हैं विजिट, पहले देखते हैं इस तरफ चल के एंट्री करके। भाई बहुत छोटा सा, मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है नीचे। और यहाँ पे रखे हैं मटके सुराईदान, ये देखो काम की जो पुराने ज़माने में चीज़ें लिया करती थी वो पूरी रखी हैं। और यहाँ का कुछ अलग ही तरीके का बनाया गया है इसको, ये देखो भाई बहुत ही शानदार तरीके से लकड़ी को एक एक उपयोग करा गया है इसमें। और ये उस टाइम के मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, ऐसे रखते थे घड़े वगैरह। और अब सामने वाले भी विजिट करते हैं, तो चलो इस पे तो कुछ नहीं था, अब इस पे देखते क्या है। ये थोड़ा सा बड़ा घर दिख रहा है, हो सकता है इसमें अलग सा हो। आह भाई ये क्या क्या चीज़ है भाई, मुझे तो पता ही नहीं यार। ये रस्सी है उस टाइम की, मैं पहले डर गया था मेरे कीड़े पतंगे ना हो यार इसमें। भाई ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता यार, कहा अगर पता हो तो किसी को पता करके बताओ मेरे को। ये है भाई सामान रखने की, ये मुझे पानी का वो लग रहा है। हाँ, पानी वानी का, पानी का लग रहा है भाई मुझे ये भाई साहब को पता था, ये आए थे स्कूल के टाइम में भाई, ये पानी का। और भाई ये अलग, ये झोला वगैरह कुछ है, पानी रखने का, पानी रखने का सर। भाई आदिवासियों ने क्या क्या चीजें बनाई थी यार, बहुत ही अलग ही है। क्या कहते उसे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी अलग है और भाई एक्सपेरिमेंट भी। और ये देखो खाट छोटी सी, ये तो हालांकि आजकल हर कहीं पे मिल जाती है, मगर ये देखो ये हाथ से बनाया गया, ये हर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें देखने को, और ना ही आजकल बड़े बड़े मिस्त्री इसको बना सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। उस टाइम में मिस्त्री नहीं थे तब भी ऐसी जगह बनी है। चलो दूसरे पे चलते हैं, बाहर वाले पे एक और पे देखते हैं क्या है। भाई साहब ये फोटो क्लिक करोगे आप? अरे तो वीडियो तो बना लें तो भाई अपन, भाई अभी वाले पे देखते हैं क्या क्या है। अरे आज तो खाली पड़ा हुआ है, चलो इसमें नहीं है कुछ भी। ये वाले में शायद चक्रा दिख रहा था मेरे को भाई, इसमें गांधी जी का चक्रा। यहाँ मुझे लगता है कि उस टाइम पे भेड़ बकरी पालते थे। ये तो उन्हीं की हल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे गाय वगैरह बनती होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी छत की, जिस टाइम में पुराने ज़माने में हुआ करती थी। मतलब भाई बहुत अच्छी चीज़ बनाई है यार। और अभी यार भाई 5 मिनट का व्लॉग हो गया है, 5-6 मिनट हो गए हैं, मगर भाई एक से बढ़कर एक चीज़ देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, उससे बेफिक्र रहना। जी गांधी जी का चरखा और भी दिखाता हूँ आगे चल के। और गर्मी भाई बहुत तेज, मगर इसके अंदर थोड़ा सुकून मिल रहा है। अब इसमें देखते हैं इनके भाई साहब की फोटो खींच लें। हाँ तो भाई अपन महल से निकल रहा है और ये कुछ कह रहा है और अभी यहाँ पे खड़ी भाई उस टाइम की बैलगाड़ी। यहाँ से कुआं था क्या, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिया कुएं को। यहाँ देखो बैलगाड़ी खड़ी भाई उस टाइम की, यहाँ पे अंदर गाय भैंस बनती थी और उनकी बैलगाड़ी है। ये तो सही में यार पुरानी लकड़ी की लग रही है भाई, जैसे उसी टाइम चलती थी जो बनाई हुई, बहुत सालों पुराना माल लग रहा है ये भाई। एक ये है और इसको भी खड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पे आग वगैरह ना लग जाए उसलिए फायर का सामान रखा हुआ साइड में। और ये सिंगल और रेस लगा देते उस टाइम पर, ये वो चीज़ है क्योंकि मैंने देखी हमारे गाँव में भी रेस होती थी, ढोर के मतलब वो बेल बांध के भगाते थे, घोड़ों के बाद बेलों का जमाना था जब।
भाई बहुत ही शानदार चीज़ है। डबल वाली हो जाए तो भाई, सिंगल वाली भी आती थी, बहुत ही प्यारा है भाई, अल्टीमेट नज़ारा। ये एक ऐसा गांव है भोपाल का जो किसी ने क्या बहुत कम देखा होगा सारे लोगों ने, जिसने देखा कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, क्या देखते हैं और फिर बताते हैं। और आगे भी शायद कुछ था वहाँ पे देखेंगे, या फिर सिर्फ इतना ही है तो टाइम पास करेंगे फिर चले आएंगे। वीडियो बंद कर दिया। ये देखो भाई वीडियो कहाँ रुक गया था पता नहीं मेरे को। माओ भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा है, पूरा लकड़ियों को बना और ये मिट्टी की दीवारें बनी हैं, मिट्टी से जोड़ा गया था इन पत्थरों को रख रख के। और यहाँ से अपने एंट्री करी और यहाँ से बाहर जाएंगे। ये देखो नज़ारे, गाइस ये बिल्डिंग के अंदर का बहुत प्यारा नज़ारा था। अभी हम लोगों ने विजिट करा इस गेट से आगे अंदर, और ठंडक मिल रही थी, बाहर इतनी गर्मी हो रही है यार, खड़ा नहीं होया जा रही है। और यहाँ पे तो शायद अभी बंद है, नीचे का भी तलघर का भी गेट था वो भी बंद करके रखा, और ऊपर जाने का भी। मगर जो आर्किटेक्चर है भाई उसकी भाई बात ही अलग है। बाकी और देखते हैं अब आगे, और कुछ अगर मिलता है तो दिखाएंगे वीडियो में, और नहीं तो यहीं से अलविदा कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भोपाल की ऐसी कुछ रोमांचक या रोम क्या कहते हैं उसे, ऐसी जानकारी लेके आगे। समझ जाना यार, समझदार हो तुम लोग, मुझे भी सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत बोलना। अबे तो ये देखो भाई कितनी प्यारी जगह है भाई, पूरी लकड़ी लकड़ी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी बना बना के रखी है भाई इन लोगों ने। भाई तू नीचे उतार ले, तेरा भरोसा नहीं, तू इतनी भी क्लच मत पकड़, क्लच मिलेट की इससे हो जाएगी भाई, छोड़ क्लच नहीं रेस दे भाई, तू क्लच मिलेट खराब कर रहे हो भाई। भाई गेयर डाल, हाँ चढ़ाओ पे बेटा, पहले गेयर पे गाड़ी चलती है। जैसे देखो हमने मौलाना साहब का कर दिया, संजीवनी बूटी है भाई यहाँ पे, संजीवनी वाटी औषधि वाटिका है यहाँ पे मंडप्पा भाई, बहुत ही नजारा है। ये समझ लो कि भोपाल का हमारा छोटा पचमढ़ी है, पचमढ़ी में भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। और वहाँ पे झरने वगैरह हैं, यहाँ पे अभी ये सूखे झाड़ ये भी हरे हो जाते हैं। और अभी आगे चल रहे हैं, 1-2 किलोमीटर आगे है, देखते हैं कैसा क्या मिलता है। और वॉइस थोड़ी सी कट रही होगी मेरी हवा में, क्योंकि हवा और गाड़ी की आवाज़ दोनों साथ में आ रही है इस वजह से। तो आगे चलते हैं देखते हैं फिर, पानी निकलने का भाई, नीचे पानी निकलने का होगा भाई, अंदर टेबलें बनी है यहाँ पे पेड़ों के बीच में, पता नहीं गाय के लिए यार। और भाई यहाँ पे आ गए हम लोग, म्यूजियम आ गए यहाँ के, और यहाँ लिखा है प्रदर्शनी मिथि विधि विधि, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पेड़ भी काटे गए बहुत सारे भाई। यहाँ पे क्या है भाई ये, भाई गाड़ियों को कुछ एंटिक पीस मिला है हमें भाई, हम दिखाएंगे बिना नहीं रहेंगे भाई। यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ मिली है, अब ये क्या चीज़ थी या क्या नहीं था। अरे गाड़ी बंद कर, तू भी दिखा रहा हूँ मैं तेरे को भी शायद भाई, भाई मतलब मैं पता नहीं है मेरे को क्या है, मगर ये अलग ही देखने में अलग ही फील, समझ लो भाई। ये देखो ये क्या है भाई, गाड़ी में ही खड़ी है ना रोड पे भाई, ये क्या है कमेंट करके बताओ, और किसी को पता हो तो। बाकी यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, निकल गया है, देखता हूँ किसी को पता होता पहले से तो बताए।